Good morning to all of you, dear all participants. Today we are here for our next session of Art and Architectural Heritage. So today we will see the Chandel, about the Chandel dynasty, art and architectural heritage of Chandel dynasty. जैसे हमने अभी तक का ये सफ़र किया है इस आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज के कोर्स में, अभी तक हमने कई सारे अलग अलग डायनास्टीज के बारे में जानकारी देखी है। आज हम यहाँ पर चंदेल डायनास्टी के बारे में जानकारी लेंगे। चंदेल डायनास्टी जो भारत का बुंदेलखंड का हिस्सा जिसे कहा जाता था, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लेकर के हम जो ये ऊपर का हिस्सा जो देखते हैं और कालिंजर वगैरह सारे जो इलाके महोबा, तो ये सभी इसमें शामिल थे। यहाँ चंदेल डायनास्टी का पीरियड जो है वो लगभग 900 से लेकर के 1200 ईस्वी सन तक माना गया है। बुंदेलखंड का ये उस समय का इलाका मॉडर्न इसमें आज के तारीख में हम इन नदियों को, इन पहाड़ों को किस नाम से जानते हैं और उस समय इसे किस नाम से जाना जाता था वो इसमें हम देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे यानी ये चंबल रिवर और सभी रिवर्स के नाम वगैरह जो हम देख रहे हैं, कालिंदी रिवर, तो ये उस पीरियड में किस तरह का उनका रीजन था और कैसे उसे जाना जाता था ये बस उससे हम जाने। यहाँ चंदेल डायनास्टी जो नानकुआ से शुरू हुई 831 में शुरू हुई, उसके बाद वाकपति, जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिला, श्रीहर्षा, यशोवर्मन सबसे ज़्यादा फेमस जिसका पीरियड रहा, उसके बाद दांग देवा, देन गंधदेवा, फिर उसके बाद विजयपाल, विद्याधरा, विजयपाला, देववर्मन, ऐसे कई सारे अलग अलग किंग्स के नाम हमें उसमें प्राप्त होते हैं। देन कीर्तिवर्मन से लेकर के लास्ट में जो है हम वीरवर्मन सेकंड तक इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर वीरवर्मन सेकंड कुछ इसमें जो है उसका जिक्र नहीं आता है, बल्कि सिर्फ हमीर वर्मन तक का ही जिक्र प्राप्त होता है। तो अलग अलग इंस्क्रिप्शन या अलग अलग जो सोर्सेस है उस हिसाब से हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। द चंदेल किंग्स डायनास्टी नोटेड फॉर इट्स स्ट्रक्चरल प्रोडक्शंस नॉट ओनली रिप्रेजेंट द मोड इन सच एन एलिगेंट फॉर्म बट द मेजोरिटी ऑफ देम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव विदर्ड बाय द क्लाइमेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड विस्टूड नेग्लेक्टेड फॉर नियरली एज लॉन्ग आर स्टिल वेल प्रिजर्व्ड एंड इन गुड कंडीशन हैविंग नाउ बीन डेजर्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज नो रेगुलर रिचुअल इज हेल्ड विद इन दियर हेल्थ हॉल्स The spectacles of such noble monuments standing isolated and meaningless amidst fields and jungles is a moving one. Why? ऐसा क्यों? उन्होंने तो बहुत सुंदर ऐसा ये कला और स्थापत्य की विरासत को निर्माण किया, मगर ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोग्राम जिस तरह से हम साउथ के टेम्पल्स में देखते हैं या फिर नॉर्थ के ऐसे कुछ टेम्पल्स देखते हैं कि जहाँ पर उस समय से आज तक भी जो है अलग अलग प्रोग्राम्स और ये किए जाते हैं, कुछ जो रिचुअल्स है वो वहाँ किए जाते हैं, बट वाई नॉट हिम? क्योंकि ये टेम्पल्स जिनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, ये जानकारी लेंगे हम उसके बारे में भी डिटेल में। सो द चंदेला इज एन इंडियन राजपूत क्लान फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, अ सेक्शन ऑफ चंदेला विच वॉज ऑल्सो नोन एज चंदेला डायनास्टी रूल्ड मच ऑफ द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया फॉर लॉन्ग पीरियड्स बिटवीन 10th एंड 13th सेंचुरी, सो अराउंड 300 to 400 ईयर्स ऐसा इसका पीरियड हम मान सकेंगे। The Chandel dynasty is famous in Indian history for Maharaja Rao Vidyadhara. His love for sculptures is shown in the World Heritage Sites temples of Khajuraho and Kalinjar Fort. तो ये अभी हम जो ऊपर बात कर रहे थे कि जिन temples को no regular rituals वगैरह जो हम बात कर रहे थे, तो ये यहाँ खजुरा और उसके temples की बात आती है, but इसकी detail हम देखेंगे तब पता चलेगा कि ये कितना और कैसा हमारा view, हमारा जो aspects था वो गलत था। टेम्पल्स आर मेड ऑफ सैंड स्टोन, ये सभी जो टेम्पल्स है चंदेला पीरियड में जो बने हुए हैं, स्कल्पचर्स एंड टेम्पल्स आल्सो। सो बिल्डर्स डिड नॉट यूज मॉर्टर, द स्टोन्स वेर पुट टुगेदर विद मॉर्टर्स एंड टेनॉन जॉइंट्स एंड दे वेर हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटी। इन दिस फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स वेरी प्रेशियस जॉइंट्स बिल्ट विद कॉलम्स एंड आर्किटेक्ट्स मेगालिथ्स दैट वेट अप टू 20 टन्स, 20 टन तक के पत्थरों को इसमें यूज किया गया है। So they imply therefore a brilliant episode in the history of Indian temple architecture rather than the progressive course of a concentrated movement. Then representing one of those rare occasions when religious emotions and unstained patronage coincide with the flowering of artistic genius to find expression in a group of buildings
ऑफ द हाइएस्ट एस्थेटिक स्टैंडर्ड एंड द एटमोस्ट सिग्निफिकेंस. दे नॉट ओनली टेस्टिफाई टू द मास्टरी ऑफ द क्राफ्ट्समैन बट ऑल्सो टू द एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्रेथ ऑफ विजन ऑफ चंदेलाज अंडर हूज रेन दीज टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड. One of the most refined and finished manifestations of Indian architecture in Indo-Aryan style are to be found in a group of temples at Khajuraho. So the crowning Amlakaj is compared to a lotus or a solar halo. This is not only about the Khajuraho but other temples also. Ye jo part abhi hum dekh rahe hain, the crowning Amlakaj is compared to a lotus or a solar halo with rays signifying the way to heaven. Thus the worshipper is being led upwards to the center of the magic union with the divine. Like the shikhara, the shrine itself is reached after crossing the successive levels of the base. The Ardha Mandap, the Maha Mandap and the Antarala, which are lighted by oriel windows. Around the inner and outer pradakshina, there are beautiful carvings. Lovely medans and apsaras with attractive figures and beautiful faces are depicted in dancing poses. It seems that they are trying to fascinate the worshipper just as apsaras do in the heaven. So, inscriptional and literary records of and therefore the times of invasion of iconoclast Muhammad of Ghazni, जो ये चंदेला डायनास्टी का नष्ट होने का एक जो कारण बताया जाता है, तो ये बताया जाता है कि गजनी और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कपूर वगैरह की जो सवारियां हुई उसकी वजह से ये नष्ट हुआ ऐसा माना जाता है. बट इसमें जैसे कल्चुरीज किंग्स भी जो है उनके भी आक्रमण इसके लिए वजह बने हुए थे. However, the earliest myths recorded in their own inscriptions trace their lineage to the moon god Chandra. They are to be interpreted to mean that they regarded themselves as Kshatriyas of the lunar race and no more. Such claims to the solar or the lunar lineage on the part of the royalty of those days were a part and parcel of the general belief and are not any fantastic invention of poets or later bardic creation. Such a belief rooted in the Puranic tradition was quite in vogue even as early as days of Kalidasa and Banbhatta. As clear from their writings in the case of Chandelas, the myths in their records only support the connection that can be independently established on philological grounds. For the termination ila in Prakrut stands for possessive. This is for Chandela, ila jo hum bolte, so that the word Chandela may mean no more than pertaining to the moon. So ये चंद्र से related है, चांद से related है, इसलिए चंदेला डायनास्टी. ऐसा scholars ने एक अपना opinion उसके बारे में बताया है. So the region from where they ruled the Bundelkhanda. So Bundelkhanda was known in ancient times as Jajagbukti. So that Chandelas of Bundelkhanda were known to the Muslim chronicles, probably following the popular pronunciation of that name as the rulers of Jajavati. The name Jajagbhukti is often taken to a inscription में भी ये जिक्र किया गया है. उस समय जो inscription प्राप्त है उसमें भी ये inscription ये किया हुआ है. उसके साथ साथ उस समय Yuan Shuang जो हमारे देश में आया था, Chinese एक traveler, तो उसने भी उनके बारे में जिक्र किया है. Then, however, none of the kings mentioned in the Chandela records appears to belong a date prior to 9th century. Navi Shatabdi se puro unka koi record prapt nahi hota. It is only one of the last of these Rahila who appears to have left any impress on history by way of giving his name to a tank called Rahila and of a granite temple near it, not far from Mohoba. Mohoba jo baad mein capital bhi tha unka. Perhaps that may have been an alternate seat for Rahila when he resided at Khajuraho for the most part. Now, some authors like Dr. J.N.S. Bose, jinhone iske bare mein research kiya, following Dr. Mirashi, Bhavi Mirashi, jo hamare yahan Nagpur se the, hold that Gangai Deva was a vassal of Vidyadhara in 1019 AD, but that following the latter's defeat at the hands of Muhammad, things rapidly changed for both the dynasties so as to become exactly the reverse during the days of latter successor Vijayapala. From the Chandela inscription referring to the Gangai Deva as conquering the world, Dr. Bose concludes that indicates the Kalchuri ruler's supremacy over the Chandelas.
इन द डेज ऑफ विजयपाला। जैसे हमने शुरू में बताया कि चंदेला डायनास्टी खत्म होने का कारण सिर्फ मोहम्मद गजनी की सवारियां या फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी मलिक कपूर की सवारियां, इतना ही ये वजह नहीं थी। तो इसमें कलचुरी किंग्स ने भी जो अटैक्स के जो वॉर हुए, तो ये भी उसके लिए ये था। अब दूसरी बात है कि इसी समय में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उस समय जो एक महाभारत की एक कॉपी जो नेपाली लैंग्वेज में लिखी गई, उसमें भी इसका जिक्र प्राप्त होता है। और ये जो पर्टिकुलरली गंगाई देवा जो है उसका जिक्र उसमें आता है, ये सेम पीरियड में लिखा गया है, इसलिए मैंने ये एडिशनल जानकारी यहाँ पर देना उचित समझा। सो तो जब ये वॉर जब हुए, ये मलिक कपूर वगैरह जब आए, तो उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बट यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, वी नो दैट इन 1309 मलिक कपूर द मोस्ट सेलिब्रेटेड जनरल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड मार्च्ड बाय वे ऑफ चंदेरी सो इन बुंदेलखंड टुवर्ड्स वरंगल इन साउथ आंध्रा व्हेन द लैटर was the capital of Telangana kingdom under the Kakatiyas. It is responsible to suppose that on way to it, the forces of the Sultan under Malik Kapoor may have occupied the district of Damo and also the track around Khajuraho for a time. On those forces retreating from the region, the Chandel ruler Hamir Varman again asserted his authority over that region, as may be clear from his record dated in 1310 एट अजयगढ़। सो ये अजयगढ़ क्या है और वहाँ की हिस्ट्री से क्या रिलेटेड है यहाँ पर हम देखेंगे। सो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ ये अजयगढ़ फोर्ट है। इस फोर्ट में जो टेम्पल है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो दिस फोर्ट इज बॉर्डर्ड बाई ब्यूटिफुल विंध्या हिल्स एंड प्रोवाइड्स एब्सोल्युटली स्टनिंग व्यूज ऑफ द केन रिवर। दिस ग्रैंड फोर्ट इज नोटेड फॉर इट्स रिच हिस्टोरिकल पास्ट एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटी विच स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट the Chandela dynasty. So there is plenty to explore at the fort which makes it a treat for history and art lovers. मगर अभी भी इसके बारे में कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया है, क्योंकि जो भी references हमने इसके बारे में ढूंढने की कोशिश की तो ये नहीं मिला। बट एक्चुअली जब आप वहाँ विजिट करेंगे और ये देखेंगे उसकी सुंदरता, तो ये समझ में आएगी। ये स्ट्रक्चरल व्यू देख करके हम समझ सकते हैं। इसी में जो जो शिल्प प्राप्त हुए है वहाँ पर, उसको देखने के बाद ये पता चलता है कि ये तांत्रिक नवदुर्गा का शिल्प है, अनमोलिथिक रॉक कट। सो ये कौन सा सेक्ट उस समय प्रभावी था? रिलीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो तीनों भी रिलीजन उस समय इम्पैक्ट है, जिसमें ब्राह्मणिज्म, उसमें भी पांच अलग अलग संप्रदाय का ये था जिसमें शैव वैष्णव गणपत्य वगैरह ये अंतर्भूत थे। उसके बाद जैनिज्म का भी कुछ इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है वहां पर। बुद्धिज्म का जो है खजुराहो के इसमें सिर्फ एक इमेज प्राप्त हुआ है, तो इसे इन दिस पीरियड अराउंड 11-12 सेंचुरी जो है बुद्धिज्म डिक्लाइन के इसमें था, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का जो है वो ओपिनियन आता है। सो वी कैन सी हियर दैट नवदुर्गा स्कल्पचर, अब ये उसका सेकंड पार्ट जो है राइट साइड में जो है वो देख सकते हैं। इसको देखने के बाद ये पता चलता है व्हाई वी कॉल्ड इट एज एन तांत्रिक, ये आप ये व्यू देखेंगे यहाँ स्कल्पचर्स में तो पता चलता है। देन हियर सम मोर स्कल्पचर्स आर देयर, तो ये इस तरह का उपासना के जो पद्धति है ये जो इसमें यूज की गई है। अब यहाँ एक विशेष बात है कि यहाँ जो सोर्ड का आप ये देख रहे हैं, सोर्ड्स और हथियारों का जो फिगर देख रहे हैं, तो ये बलि देने की प्रथा हो या और कुछ ये हो, मगर इस तरह किसी सोर्स का इस तरह जो दिखाया गया है इट्स एन वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। और किस तरह के हथियार उस समय यूज किए जाते थे तो ये भी हम उसे जो है समझ सकते हैं। यहाँ हम जो गणेशा का जो शिल्प देख रहे हैं तो ये हमें भी पता है, और यहाँ का जो एक इंस्क्रिप्शन है बाजू में है, तो इससे ये पता चलता है कि ये तांत्रिक उपासना के इसमें जो जिस गणेशा की विधिवत पूजा की जाती थी उसे यहाँ दिखाया गया है। Now we come towards some another sculptures. God is Saraswati with 24 Jain Tirthankaras on this monolithic rock cut. अब ये 24 तीर्थंकर यहाँ दिखाए गए और ये सरस्वती को यहाँ दिखाया गया है। तो सरस्वती की उपासना जो है, शारदा की उपासना जो है, वो हिंदू कल्ट के साथ जैन में भी उतनी हमें दिखाई देती है, तो ये हमें यहाँ पर हम देख सकते हैं। और ये
जैन श्रमण जो है, जैन साधु जो है, उनका भी स्कल्पचर्स में हम ये देख सकते हैं, और उनका वस्त्र वेशभूषा तथा उनके हाथों में ये दंड वगैरह जो उन्होंने पकड़े हुए हैं, ये सभी हम यहाँ देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम अजयगढ़, देन कैटल विथ ट्रेजर साइन। सो कितना इम्पोर्टेंस खेती में हमारे जो गाय बैल जो पशु थे वो कितने उपयुक्त थे, उसका ये यहाँ पर दिखाया गया है। अभी यहाँ देवताओं के साथ उसको दिखाने का क्या मकसद है, और यहाँ पर नीचे कुछ और स्कल्पचर दिखाए गए हैं, यहाँ पीछे कुछ स्कल्पचर दिखाए, तो किसानों के लिए जो है, यानी खेती करने वाले लोगों के लिए या हम सबके लिए, तो ये हमारे उपयुक्त जो पशु है, गाय और बैल जो है, तो यही हमारे लिए देवता है, इस तरह का दिखाने का शायद ये कुछ प्रयास होगा ऐसा लगता है। बट यहाँ और एक बात है कि उसको देखे, यहाँ ताला ताला और एक चाबी का ये दिखाया गया है। इट मीन्स दैट दिस इज व्हाट द रियल ट्रेजर, ये हमारे लिए हमारा धन था, हमारी संपत्ति थी, ऐसा ये दिखाने का ये प्रयास है ऐसा लगता है। नाउ दिस इज एन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंस्क्रिप्शन अभी तक देवनागरी में जितने इंस्क्रिप्शन मैंने देखे, तो उसमें ये, सो दिस इज एन ओल्ड नागरी स्क्रिप्ट इन द एंट्रेंस गेट ऑफ फोर्ट, फोर्ट के उधर ही ये दिखाई देता है। और अभी तक जितने इंस्क्रिप्शन मैंने देखे उसमें से बहुत सुंदर और इतनी अच्छी तरीके से कार्विंग करके लिखा गया है, सो रियली वंडरफुल। यानी स्क्रिप्ट राइटिंग आर्ट जो है वो कितना चरम सीमा पर था, ये हम इसे समझ सकते हैं। हम कागज पर भी अगर इस स्क्रिप्ट ये स्टाइल में लिखना चाहेंगे तब भी बड़ी मुश्किल होगी ये ऐसा कैसा उतारना, बट यहाँ पर उन्होंने स्टोन में इस तरह से उसे लिखा है, सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। कुछ और छोटे छोटे स्कल्पचर्स वहां पर है उसी फोर्ट में, उसे भी हम यहाँ देख सकते हैं विथ द डिफरेंट साइनेजेस। यहाँ गणेशा का शिल्प हम देखते हैं उसके ऊपर, और उसी के साथ में यहाँ पर गणेशा का यह दिखाई दे रहा है, और यहाँ अलग अलग साइन सिंबल्स हम देख सकते हैं। सो एक छोटे से पत्थर के इसमें एक ही 1 by 1 feet का साइज का पत्थर है, और जिसके ऊपर ये कार्विंग किया गया है। सॉरी, दिस इज कालिंजर इज अ फोर्ट्रेस सिटी इन द बुंदेलखंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया इन बांदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। कालिंजर मीन्स द डिस्ट्रॉयर ऑफ टाइम इन संस्कृत, काल इज टाइम एंड जर मीन्स डिस्ट्रक्शन। सो कालिंजर फोर्ट ये भी उस समय का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल, जैसे अभी हमने अजयगढ़ के बारे में देखा, सो ये कालिंजर फोर्ट का व्यू हम यहाँ देख रहे हैं। ये कंप्लीट व्यू जो एरियल व्यू इसका हम कह सकेंगे, ये बांदा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इसमें ये दिखाने की कोशिश की थी, और ये पूरे फोर्ट का व्यू हम देख सकते हैं, और उसमें यहाँ ये टेम्पल देख सकते हैं। नाउ वी कैन लुक क्लोजर विद दिस टेम्पल। इसके पिलर और इसकी रचना को अगर हम देखें या ऊपर का ये व्यू देखें, तो एक अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें यहाँ देखने को मिलता है। सम ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स आर हियर, दिस पैनल इज यूनिक, इट्स अ शिवा पैनल विथ लिंगाज ऑन द टॉप, बट द मेन आइडल इज त्रिमुखी विष्णु। सो ये एक बहुत ही यूनिक स्कल्पचर है, ऊपर में देखे तो यहाँ पता चलता है अपर पार्ट जो है, अगर ठीक से हम देखें ये पूरा, तो ये पूरे शिवलिंग है, यानी लिंग हमें दिखाई देते हैं, और यहाँ विष्णु का ये त्रिमुखी प्रतिमा हम विष्णु के देख सकते हैं। ये उसका जो आभूषण है और उसका स्टाइल जो है, इससे हमें ये पता चलता है। यहाँ बाकी इधर देखेंगे तो गणेश और अलग अलग देवताओं का ये व्यू हम देख सकते हैं। नाउ वी कम टूअर्ड दिस अनदर वन, ये सब्यासाची घोष जी जो है उन्होंने की हुई फोटोग्राफी है, चामुंडा एंड भैरव, तो ये स्कल्पचर्स का फोटोग्राफी उन्होंने किया है। वो पूरा भारत भर भ्रमण करते रहते हैं, और कई सारे अच्छे प्लेसेस जो भी है, हमारे हेरिटेज प्लेसेस जो है, उसके फोटोग्राफ जो है वो अपने फेसबुक पेज पर हमारे साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर हम और कुछ स्कल्पचर देखेंगे तो ये पता चलता है व्हाट अ ब्यूटी ऑफ दिस ऑर्नामेंटेशन, कितना सुंदर रूप से इसका ऑर्नामेंटेशन किया गया है। अभी देखिए, मगर किस हालात में ये विरासत है ये हम यहाँ देख के पता चल सकता है, पानी पूरा जो है इसमें भर चुका है। सो व्हाट इज अवर ड्यूटी इज दैट टू प्रोटेक्ट दिस स्कल्पचर्स, दिस हेरिटेज। यहाँ पर फिर हम चामुंडा भैरव वगैरह जो देवताएं हैं, तो उनके इसमें देख सकते हैं कि इनके हाथों में जो हथियार और अलग अलग ये दिखाई दे रहा है, तो ये भी स्कल्पचर्स, ये डिफरेंट स्कल्पचर्स जो सभी, ये सारे शिल्प देख करके हमें पता चल सकता है कि भले अजयगढ़ हो या फिर कालिंजर हो, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का, स्पेशली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का एरिया
उस समय के सभी डायनास्टीज को जब हम ठीक से अध्ययन करते हैं, स्कल्पचर्स को देखते हैं, तो तंत्र तांत्रिक सेक्ट जो है या तांत्रिज्म जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल था, ये हमें दिखाई देता है। दो इट इज इन महाराष्ट्र इन माहूर और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, किनवट, भोकर, दैट रीजन और दिस छत्तीसगढ़ रीजन और मध्य प्रदेश रीजन, तो यहाँ हमें प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ और कुछ स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस पर भी ये सुंदरता हमें दिखाई देती है। ग्रेनाइट स्टोन यूज किया गया है, बट रियली सो ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटेशन। ये टेम्पल का एंट्री डोर है जो फोर्ट के बाहर के इसमें अभी लगाया गया है, और यहाँ पर भी हम ये गणेश शिल्प और उसके ऊपर के जो ये शिल्प है वो देख करके इसकी सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। एज पर द आर्किटेक्चरल डिटेल्स ऑफ द टेम्पल ऑफ नीलकंठा, नीलकंठ टेम्पल जो ये कालिंजर फोर्ट में जो हमने एरियल व्यू केस में देखा, सो ये टेम्पल वहाँ का, और ये उसके ऊपर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं या जो डिजाइन बनाए हुए हैं, तो ये डिजाइन इस स्केच में हम डिटेल रूप से देख सकते हैं। यहाँ उसकी हम जानकारी जब लेते हैं। नेक्स्ट खजुराहो विच इज एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो चंदेल डायनास्टी बोलते ही खजुराहो का नाम आता है, या मध्य प्रदेश बोलते ही खजुराहो का नाम आ जाता है। तो द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंदेलास, द खजुराहो टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश हैव बीन डिक्लेयर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। खजुराहो विच इज इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, लोकेटेड 620 किलोमीटर साउथ ऑफ न्यू दिल्ली इन द इंडियन स्टेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन द सिटी, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। मिडिवल हिंदू एंड जैन टेम्पल्स ऑफ खजुराहो किंग्स चंदेल लार्जेस्ट ग्रुप इज फेमस फॉर देयर एरोटिक स्कल्पचर्स। अभी ये एरोटिक स्कल्पचर्स कितने हैं और क्यों इसको ही ज्यादा किया गया है ये पता नहीं, क्योंकि जैसा हमने देखा, हमने विजिट किया तो हमने कुछ अलग ही दुनिया भी देखी, वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। सो द नेम खजुराहो, व्हाट इज द मीनिंग, खजुराहो तो बोलते हैं, द एंशिएंट जो इंस्क्रिप्शन में जिसका जिक्र आता है, सो खजुर वाहका, द संस्कृत वर्ड खजुरा मीन्स डेट पाम एंड वाहका इज वन हु, तो खजूर वहन करने वाला, डेट पाम जो है उसको वहन करने वाला, ऐसा उसका है। इसका मतलब इस एरिया में उसके पेड़ ज्यादा थे या यहाँ पर वो ज्यादा आता था, अब ये समझने की बात है। सो इज लोकल्स लिविंग इन द खजुराहो विलेज ऑलवेज न्यू अबाउट एंड केप्ट अप द टेम्पल्स एज बेस्ट दे कुड। ही वॉज पॉइंटिंग आउट द इंग्लिश इन द 19th सेंचुरी वेन अ टॉल ऑन फॉरेस्ट मॉन्यूमेंट्स। इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश इंजीनियर टीएस बर्ट हैड अराइव्ड इन द एरिया फॉलोड बाय जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम। ये वर्णन उसी ने लिख के रखा है जिसके बारे में अभी हमने बात की। आर्किटेक्चर, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड साउथर्न टेम्पल्स इज डिवाइडेड इंटू 3 जियोग्राफिकल डिविजन्स। खजुराहो के जितने टेम्पल है उसको 3 इसमें डिवाइड किया गया है। खजुराहो टेम्पल्स आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, सबसे पुराना जो है यहाँ 64 योगिनी टेम्पल माना जाता है। सो बिल्डर्स डिड नॉट यूज मॉर्टर, जैसे पहले भी हमने कहा उसकी जानकारी ली। सम की फीचर्स ऑफ द खजुराहो टेम्पल्स आर दे आर बिल्ट इन नागारा स्टाइल हैविंग ब्यूटिफुल शिखरास, दे फॉलो द पंचायतना सिस्टम ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, द टेम्पल्स आर अडोर्न विद ब्यूटिफुली कार्व्ड स्कल्पचर्स और कार्विंग्स विच आर वर्ल्ड फेमस नाउ, फेमस फॉर एरोटिक कार्विंग्स, हाउ एवर दे कंप्राइजेस ऑफ ओनली 10% ऑफ कार्विंग्स प्रेजेंट ऑन द टेम्पल। इस बात को ध्यान दीजिए कि जिसकी वजह से उसको ज्यादा ये किया गया उसी वजह से कुछ लोगों ने उसे नफरत की दृष्टि से देखा, वो जो सिर्फ वहां 10% केस में है, और 10% भी है तो हम उसे आर्टिस्टिक व्यू से देखना चाहिए। सो 90% ऑफ द स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट्स डेली लाइफ ऑफ पीपल एनिमल्स, ये मगर इसकी तरफ हमारा ज्यादा ध्यान क्यों नहीं जाता है ये भी पता नहीं। इट ऑल्सो गिव्स अस द ग्लिम्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम, कार्विंग्स आर प्रेजेंट बोथ ऑन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ द टेम्पल्स, दे हैव ब्यूटिफुली कार्व्ड डोम्ड सीलिंग्स एज वेल। तो ये बाकी बातें शायद ऐसा हो सकता है कि जिन्होंने राइटअप किया, जिन्होंने लिखा, उन्होंने ज्यादा महत्व सिर्फ उस स्कल्पचर्स को दिया इसलिए उसके उसकी तरफ ज्यादा ध्यान गया, ऐसा कह सकेंगे। बट अदर भी जो है 90% वो भी उतना ही ब्यूटीफुल है, उसको भी हम देखेंगे। सो वी कैन सी हियर दिस ऑल द खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, तो इसका सेक्शन एंड ओरिएंटेशन जो है उसको हम देखेंगे। तो टेम्पल का ये नीचे
से हम अगर शुरुआत करते हैं तो यहाँ अधिष्ठाना को हम देख सकेंगे, फिर उसके बाद जगति, और फिर उसके बाद ये हम देख रहे हैं ट्रांसेप्ट्स, देन प्रदक्षिणा सर्कुम्बुलेशन पाथ, देन गर्भगृह श्राइन्स जो है, एंड हियर कुछ टेम्पल में एक कूटा, द्वि कूटा, त्रि कूटा, अलग अलग फोर कूटा, पंच कूटा तक टेम्पल्स भी हम यहाँ देख सकते हैं। देन वी कैन सी हियर द अर्ध मंडपा, मंडपा हॉल, एंट्रेंस पोर्च, देन महामंडपा, ग्रेट हॉल। यहाँ साउथ के टेम्पल्स में पर्टिकुलरली जो है नृत्य मंडपा, भोग मंडपा ये भी होते हैं। देन अंतराला वेस्टबुल, ये इनसाइड जो गर्भगृह के बाहर का इस पोर्शन है उसको हम देख रहे हैं। देन उसके बाद उरुशृंगा सबसाइडरी शिखर जो है, छोटे छोटे शिखर जो मुख्य शिखर को छोड़ के बाकी शिखर जो हम उसके साथ देखते हैं तो उसको उरुशृंगा कहा जाता है। देन शिखरा दिस टावर, एंड देन शिखर के ऊपर का जो पोर्शन है आमलक, और उसके ऊपर का सबसे लास्ट जो पोर्शन है वह कलशा। तो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में जो टर्म्स जो यूज किए जाते हैं उसको समझने की आवश्यकता है, तो ये हमें क्लियर व्यू से पता चलता है। जगति अधिष्ठाना से लेकर के या कलश तक ये सारी बातें जो है हम यहाँ पर ठीक रूप से देख सकते हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे तो ये पता चलता है कि ये किस तरह से उसका आर्किटेक्चरल जो व्यू है तो ये किस तरह से है हम यहाँ समझ सकते हैं। अब पंचायतन टेम्पल हो, नागर टेम्पल हो, या साउथ टेम्पल हो, ये शिखर जिस तरह से बढ़ते गए इसका मतलब ये समझा जाता है नागर स्टाइल के इसमें कि विष्णु लोक को स्पर्श करने का जैसे रेस हो रहा है, और साउथ में जैसे कैलाश को टच करने का जैसा ये कंपटीशन हो रहा है। इस तरह से ऐसे लगता है कि शिखरों को जो है अधिक से अधिक उन्नत और अधिक से अधिक यानी हाइट जो है वो बढ़ाने की जो है वो कोशिश टेम्पल्स केस में हमें दिखाई देती है। बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड मॉन्यूमेंट साइट, देश विदेशों के जो लोग यहाँ आते हैं विजिट करते हैं उसको हम देख रहे हैं, ब्यूटीफुली बहुत अच्छा मेंटेन किया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको। नाउ वी सी हियर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स, दिस विश्वनाथ टेम्पल, दिस एनश्राइन्स अ थ्री हेडेड इमेज ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, त्रिमुखी ब्रह्मा की प्रतिमा हम यहाँ देखते हैं। लायंस गार्ड द नॉर्थर्न एंट्रेंस टू द स्ट्रक्चर, व्हाइल एलिफेंट्स फ्लैंक द साउथर्न फ्लाइट ऑफ स्टेप्स दैट लीड अप टू इट। द ग्रुप इंक्लूड्स सच मैग्निफिसेंट टेम्पल्स लाइक कंदारिया महादेव टेम्पल, चौसठ योगिनी टेम्पल, चित्रगुप्ता टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल एंड मातंगेश्वरा टेम्पल, वराह टेम्पल। सो इसमें से एक विश्वनाथ टेम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल्स हियर इन खजुराहो। सभी का आर्किटेक्चर स्टाइल देखेंगे तो जो हमने शुरुआत में आर्किटेक्चर स्टाइल अभी जो देखा जिसमें मंदिर के सभी पार्ट्स पोर्शंस जो हमने देखे उसकी जानकारी ली तो लगभग वैसा ही दिखाई देता है, बट शुरुआत से अगर हम देखेंगे तो इसमें अलग अलग व्यू देख सकते हैं। जैसे विश्वनाथा टेम्पल का ये सेकेंड व्यू है, अभी इसका आर्किटेक्चरल प्लान जब हम देखते हैं, सो विश्वनाथा एंड नंदी टेम्पल, तो ये उसका आर्किटेक्चरल प्लान है। अधिष्ठान से लेकर के शिखर तक के सभी पोर्शन को हम इसमें देख सकते हैं, उसकी जानकारी हम यहाँ सभी जगह पर जो बोर्ड लगे हुए हैं उसे ले सकते हैं। यहाँ पर बताया है द टेम्पल इज अमॉन्ग द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो एंड इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, इट वॉज अ पंचायतना श्राइन, हाउएवर द फोर सबसाइडरी श्राइन्स ओनली टू इन द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट कॉर्नर्स हैव सर्वाइव्ड। द पूरे खजुराहो केस के बारे में जब हम जानकारी लेते हैं तभी ये पता चलता है कि जितने टेम्पल्स बनाए गए थे उसमें से कुछ अभी बचे हुए हैं, वो भी हम उसकी जानकारी लेंगे पूरी डिटेल में उसके क्वांटिटी के साथ में। सो द स्ट्रक्चर शोज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ डेवलप्ड टेम्पल, द एंट्रेंस प्रॉग दिस अर्ध मंडपा, मंडपा, महामंडपा एंड द सेंटम एनक्लोज्ड बाय एन एम्बुलेटरी। सो आर्किटेक्चरली द टेम्पल फॉल्स बिटवीन द लक्ष्मणा एंड कंदारिया महादेव टेम्पल, द इंस्क्रिप्शन ऑन द मंडपा रेफर्स टू द डेडिकेशन ऑफ टू लिंगास, वन मेड ऑफ द एमरल्ड एंड द अदर स्टोन इन अ टावरिंग टेम्पल ऑफ शिवा, दिस मार्केटेश्वरा बिल्ट बाय द चंदेला किंग डांगा इन 1002 AD, देर इज नो डाउट दैट द इंस्क्रिप्शन रेफर्स टू विश्वनाथा टेम्पल। ये फिर उसके बाद दूसरे जो टेम्पल है इसी कैंपस में वामन टेम्पल है, चौसठ योगिनी टेम्पल जो सबसे पुराने इसमें से एक माना जाता है। चौसठ योगिनी टेम्पल जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के
बहुत सारे इसमें 64 योगिनी टेम्पल के बारे में अभी जानकारी जो है रिसेंट में जो स्कॉलर्स है उन्होंने कई सारी जगह की इस तरह की जानकारी जो है वो कलेक्ट की है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन खजुराहो। नाउ द वेस्टर्न साइड टेम्पल जो है, यहाँ जो तीन अलग अलग ग्रुप है उसमें से ये ग्रुप वेस्टर्न साइड टेम्पल्स का हम यहाँ देख सकते हैं। अभी जो शुरुआत हुई है टेम्पल्स की, तो जैसे 64 योगिनी टेम्पल से शुरुआत हुई है, तो ऐसे यहाँ पर हम कुछ टेम्पल देख सकते हैं कि जो सिंपल उसका यानी एककूट गर्भगृह जो है उससे, और बाकी कुछ वहां अभी बनाया नहीं गया है, सिर्फ गर्भगृह और जो पीठ है जो है इसको हम यहाँ देख रहे हैं, और एक ब्यूटीफुल विंडो इस तरफ में बनाया गया है, और सिंपल प्लेन शिखर जो है उसको हम यहाँ देखते हैं। नाउ दिस कंधारिया महादेव टेम्पल, ये भी एक बहुत फेमस टेम्पल है वहाँ का, बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ स्कल्पचर्स ऑन दिस टेम्पल। कंधारिया महादेव टेम्पल का ये आर्किटेक्चरल प्लान हम देखेंगे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसका जो पोर्शन है मंडपा का, ये पूरा टेम्पल का, सो ये नंबर के इससे हम देखेंगे फर्स्ट इस पे, तो अर्ध मंडपा, मंडपा, महामंडपा, अंतराला, गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, देन ट्रांसेप्ट, देन जगती एंड सबसाइडरी श्राइन्स। तो ये पंचायतन स्टाइल का टेम्पल जिसको देख रहे हैं। नाउ दिस ये प्लान और उसका पूरा व्यू जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, एलिवेशन प्लान जो है वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें गर्भगृह सैंक्टम, एम्बुलेटरी पैसेज, देन मंडपा हॉल एंड अर्ध मंडपा एंट्रेंस वगैरह, ये सभी क्लियर रूप से हम यहाँ देख सकते हैं। दिस द घंटी टेम्पल ऑल्सो नोन एज द गणपति टेम्पल इज अ रुइन जैन टेम्पल इन द खजुराहो टाउन, 995 में बना हुआ। तो जैसे हमने कहा था कि हिंदू कल्ट के साथ या ब्राह्मणिज्म के साथ साथ जो है जैनिज्म का भी इम्पैक्ट था, तो इसका एक एग्जाम्पल है, और ये पिलर्स को भी देखेंगे, इसके ऊपर का डिजाइन ये भी बहुत सुंदर रूप से बना है। इट्स एन सिंपल स्टाइल, बट आज की तारीख में अभी बाकी पोर्शन यहाँ का अवेलेबल नहीं है, जो इंटैक्ट है उसको हम यहाँ देख रहे हैं, उससे भी इसकी सुंदरता को हम समझ सकते हैं। ये उस टेम्पल का उस समय का हो सकता है शायद, कि यहाँ ये इस साइड में जो है गर्भगृह का पोर्शन रहा होगा और ये बाकी मंडपा का पोर्शन रहा होगा, से फ्रंट व्यू से देखते हैं। देन धुलदेव टेम्पल खजुराहो का, अभी एक सिंगल इसके इससे हमने शुरुआत की, ये जो फर्स्ट वाला जो देखा है सिंगल से, उसके पहले 64 योगिनी का टेम्पल है। सो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड द ओल्डेस्ट। अब आप आर्किटेक्चरल व्यू से देखेंगे तो ये सेकंड, देन जो डेवलपमेंट के हिसाब से देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसा हम कह सकेंगे। सो उस हिसाब से भी, उस दृष्टि से भी आप जो है टेम्पल्स को देखिए। अब यहाँ पर आप जो है इसका जो पीठ है वो भी देख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ का एंट्रेंस पोर्च देख सकते हैं, देन यहाँ सिंगल मंडपा है, उसके बाद जो है अंतराल और सॉरी प्रदक्षिणा पथ और शिखर, ये गर्भगृह शिखर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर फिर हम देवी जगदम्बे टेम्पल वेस्टर्न ग्रुप केस में, ये भी फेमस है क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे स्कल्पचर्स है। नाउ वी कैन सी हियर द फिफ्थ स्टेज, जिसमें उरुश्रृंग जो है वो हम देख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ संख्या कम है। कंधारिया महादेव टेम्पल और बाकी जो विश्वनाथ टेम्पल वगैरह है उसमें ये संख्या बहुत ज्यादा है, और यहाँ हम आमलक को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दिस देवी जगदम्बा टेम्पल जो है उसका आर्किटेक्चरल प्लान यहाँ हम देख सकते हैं, महामंडपा रूफ जो है उसका, तो ये देख सकते हैं इसका रूफ जो है, रूफ स्टाइल, इट्स एन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल रूफ स्टाइल। देन वामना टेम्पल खजुराहो, ये भी एक बहुत अच्छा और सुंदर टेम्पल। अभी शिखर को आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको नीचे का जो पिलर्स या उसका जो स्टाइल, ये पोर्शन जो बना हुआ है इसे बराबर समांतर रूप में ये स्ट्रक्चरल जो है, और ये एक अपना स्टाइल, चंदेला का एक अपना स्टाइल इसे कह सकेंगे, इस तरह से बनाया है। इसी तरह का एक अलग स्टाइल हम उड़ीसा के टेम्पल्स में, पर्टिकुलरली ये भुवनेश्वर का जो टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल वगैरह, सो भुवनेश्वर के टेम्पल्स में इस तरह का उनका एक अपना डेवलपमेंट स्टाइल हम देख सकते हैं। नाउ दिस चित्रभुजा टेम्पल खजुराहो, अब ऐसे अलग अलग टेम्पल्स, देन जवेरी टेम्पल ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में देखा जा सकता है।
अब इसका जो एक एक पोर्शन हम देखेंगे, एंट्री डोर के ऊपर की ये प्रतिमाएं, और उसको हम देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली कार्विंग किया है। देन लक्ष्मणा टेम्पल खजुराहो, हियर आर दिस इज इन फ्रंट व्यू ऑफ दिस लक्ष्मणा टेम्पल। देन आदिनाथ टेम्पल खजुराहो, तो ये अलग अलग ग्रुप्स में से हम देख रहे हैं। इसका भी एंट्री डोर जो है, प्रवेश द्वार जो है गर्भगृह का, उसके ऊपर जो बनाए गए ये पंचस्तंभ अलंकरण और ये शिल्प वगैरह जो बने, इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर रूप से बने हैं। देन पार्श्वनाथा टेम्पल जो 954 में बना हुआ था, इसके इनसाइड में भी आप देख सकते हैं। सो ब्यूटीफुल पार्श्वनाथ स्कल्पचर हियर, एक उनकी जो मूर्ति रखी है ये भी बहुत सुंदर ब्लैक स्टोन के इसमें बनी हुई। और इनसाइड यानी गर्भगृह के अंदर भी मुख्य मूर्ति जो है उसको छोड़ करके बाकी स्कल्पचर्स भी जो है वो बहुत सुंदर रूप से बनाए गए हैं। यहाँ शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि ये मूर्ति जो है इसका देखते हुए और बाकी सभी व्यू को देखते हुए शायद ये बाद में भी बना करके रखी हो सकती है। बाद में माने तो नॉट इन मॉडर्न बट उसके पहले, यानी 18th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में हो सकता है ऐसा हम कह सकेंगे। बट यहाँ पर उसका डेट जो है वो डेट हमें क्लियर नहीं देखने को मिला, क्योंकि ये नीचे का जो सभी आर्टिस्टिक व्यू और ये पूरा जो व्यू है ये ज्यादा और ओल्ड दिखाई देता है। यहाँ हम पार्श्वनाथ टेम्पल आइडल जो है, अभी जैसे हमने कहा था ओरिजिनल जिसको हम कह सकते हैं, तो ये आइडल जो है दिस इज एन ओरिजिनल वन एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो कई बार ऐसा होता है कि मूल मूर्ति अगर, यानी जो ओरिजिनल मूर्ति है वो अगर भंग हो गई किसी भी वजह से, तो उसकी जगह पर दूसरी मूर्ति जो है बाद में स्थापित की जाती है। तो शायद पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था वो उस रूप से हो सकता है, बट दिस इज वन विच इज एज इट इज, वही ओरिजिनल ये है और उतना ही सुंदर यहाँ पर हम देख सकते हैं। देन शांतिनाथ टेम्पल जो रिनोवेट किया गया है, अभी ऊपर का पोर्शन ये पूरा रिनोवेट किया है, एक्चुअली 1027 में बना हुआ टेम्पल है, इनसाइड भी हम देख सकते हैं। बट रिनोवेट किस पीरियड में हुआ, ये कलरिंग बाद में किया गया है, बट रिनोवेट शायद ये आर्किटेक्चरल व्यू को अगर हम देखेंगे तो समवेयर मिड ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी के बीच में ऊपर का जो पोर्शन हम देख रहे हैं, या 18th सेंचुरी का लास्ट इसमें ये रिनोवेट किया गया है ऐसा हमें लगता है। और ये नीचे का जो पोर्शन है वो एज इट इज पहले का जैसा था उसी तरह से देख सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड आदिनाथ था, ये शाइन नंबर 6 वहाँ का, और नवग्रह देन श्रावणा एंड चक्रेश्वरी इन द प्लेटफॉर्म। तो इसी के ऊपर जो है अलग अलग शिल्प जो बने हुए हैं ये ऊपर के इसमें भी हम देख सकते हैं। सो इट्स रियली ब्यूटीफुल। देन यक्षा यक्षी ऑफ चंदेला पीरियड श्राइन नंबर 10 जो है वहां का, उसमें देख सकते हैं। देन खजुराहो जिसके लिए फेमस है ये एरोटिक शिल्प, जो जैसे हमने कहा था दिस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 10% ऑफ टोटल आर्ट डिस्प्लेड इन द मॉन्यूमेंट्स, जिसकी वजह से दुनिया में इसको फेमस किया गया तो 10% के हिसाब से। बट जो जैसे मैंने कहा कि बाकी ओवर 90% ऑफ द आर्ट वर्क एट द टेम्पल इज अबाउट डेली लाइफ एंड सिम्बॉलिक वैल्यूज इन एंशंट इंडियन स्कल्पचर। अभी ये इसका डेली लाइफ के इसमें जो अलग अलग इसके यहाँ पर जो शिल्प बने हुए हैं, क्रॉस लेग्ड अप्सरा एंड विष्णु लक्ष्मी पार्श्वनाथ टेम्पल खजुराहो के इसमें हम ये देख सकते हैं। ये और भी कुछ अलग शिल्प जहाँ पर हाथियों के और बाकी इसके शिल्प हम देखते हैं, उसके साथ अश्व और ऊंटों पे जो व्यापार चल रहा था उस समय का, ट्रेड रूट जिसको हम कहेंगे, तो ये भी यहाँ देख सकते हैं। अब ऊंट के शिल्प जो है, तो जैसे कल्याणी चालुक्या के पीरियड से हम इसको देखते हैं, और स्पेशली 10th 11th 12th सेंचुरी केस में, यादवा केस में भी हमें ये दिखाई देता है, क्योंकि जो मुस्लिम राज्यकर्ता जो थे मोहम्मद गजनी या उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी वगैरह सभी, तो ये सभी ऊंट का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, इसलिए शायद हो सकता है कि स्कल्पचर्स के इसमें भी हम इसे देखते हैं। नाउ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गीत गायन नृत्य वाद्य, तो संगीत जो था म्यूजिक आर्ट का एक हिस्सा जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ के शिल्पों में भी इसकी बहुत सुंदर भरमार है, ये कुछ व्यूज के हम देख रहे हैं। सो नृत्यांगनाएं और शिल्प बजाने वाले, सॉरी वाद्य बजाने वाली नृत्यांगना भी हम यहाँ देख सकते हैं। ये और कुछ स्कल्पचर्स यहाँ देखिए, इसके हाथ में जो ये फ्लूट जो है बांसुरी बजा रही है, और ये मंदिर के अर्ध मंडपा के सामने इसको उकेरित किया गया है। यहाँ और भी कुछ आर्टिस्टिक स्टाइल्स जो हम देख सकते हैं,
ये हाथ में देख करके पता चलता है विष्णु लक्ष्मी शिल्प है, क्योंकि शंख उसके हाथों में है। उसके बाद यहाँ पर हम और कुछ स्कल्पचर्स देखेंगे। पैरों में चुभा हुआ कांटा जो है उसको निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है अप्सरा के द्वारा, और इसी में हम देख सकते हैं अदर स्कल्पचर्स भी जो यहाँ बने हुए हैं। एक गणेशा के शिल्पों को देखेंगे तो कई सारे अलग अलग शिल्प जो गणेशा के बने हुए हैं, तो उसमें नृत्य गणेश और भी कुछ गणेश यहाँ हम देख सकेंगे। राइट साइड में कुछ और स्कल्पचर्स, ये विष्णु का शिल्प यहाँ पर बना हुआ है, सॉरी ये कुछ अदर स्कल्पचर्स यहाँ पर बने हुए हैं। वी कैन सी हियर अनदर शिवा और दूसरे और स्कल्पचर्स, ये कई सारे स्कल्पचर्स यहाँ जो बने हुए हैं। ये वराह अवतार विष्णु को यहाँ दिखाया गया है। देखिए कि मंदिर में इस तरह से कुछ और भी इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है, जैसे हम थाई लायंस की वगैरह बात करते हैं, तो ये हम देखते हैं काकतियों के इसमें भी हम इस तरह के ये देख सकते हैं। बट जस्ट आई वॉन्ट टू से दैट व्हाट अ ब्यूटी स्कल्पचर्स के साथ में पूरे मंदिरों का जो समूह है उसकी सुंदरता को हम यहाँ देख सकते हैं। उसके ऊपर कैसे कई सारे शिल्प और ये जो श्रृंगार करते हुए अप्सराओं के साथ कई सारे देवताएं, और यहाँ पर भी वो जो लायन की मैं बात कर रहा था ये देख सकते हैं, और योद्धाओं को उसके साथ ये लेते हुए यहाँ पर भी हम ये व्यू देख सकते हैं। सो मिथिकल लायंस ऐसा भी जिसको कहा गया है कुछ इसमें। अब यहाँ हम कुछ स्कल्पचर्स और देखते हैं। अभी ये देखिए कि ये हरिहरा का एक स्कल्पचर है, उन्होंने ये बनाया है गोवा केस में। अब उन्होंने इसके बारे में जो वर्णन किया है, द स्कल्पचर इज इन चंदेला खजुराहो मेड ऑफ स्किस्ता एंड 4 feet हाइट। इन दिस स्कल्पचर मोर देन 25 मिनिएचर स्कल्पचर्स आर देयर। सो एक स्कल्पचर जिसकी रिप्लिका उन्होंने बनाई है, जिसका बहुत सुंदर फोटोग्राफ मुझे मिला, गुड़ीधर पुट्ट स्वामी, ये गोवा में शिल्पलो का स्टूडियो है, कभी वहां गए तो जरूर विजिट कीजिए। यू कैन सी देयर दिस टाइप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स। तो यहाँ ये स्कल्पचर उस समय के सुंदरता को जो दर्शाता है। अभी इस टेम्पल में हमें ये विशेष बात दिखानी है कि यहाँ हम कई सारे अलग अलग टेम्पल्स के जो पार्ट देखते हैं, उसमें स्पेशली उनका विंडोज, ये जाली का जिसको कहते हैं या वात सॉरी हाँ, तो इसमें विंडोज का जो आर्किटेक्चर स्टाइल जो बना हुआ है, तो ये भी अलग अलग स्टाइल के विंडोज, जैसे हमने होयसा डायनास्टी केस में ब्यूटीफुल विंडोज का ये देखा था, तो यहाँ पर टेम्पल्स केस में भी हम ऐसे अलग अलग विंडोज देख सकते हैं। सो ये टेम्पल्स के प्लान्स और इसको हम देखेंगे तो ये पता चलता है कि कितने सुंदर रूप से ये टेम्पल पूरे बने। इसके कुछ और पार्ट्स को हम देखेंगे जिसमें शुकनासी आर्किटेक्चरल पार्ट ऑफ अबव पार्टल, देन लिंगम आमलका, देन शिखरा विथ 9 corners आमलका, देन कांता मंदोरा विथ भद्रा निजा, एंड देन वेदी भद्रा पेडेस्टल, देन करणा कॉर्नर, देन गर्भगृह चेम्बर एंड अंतराला वेस्टिबुल। तो ये ऐसे अलग अलग टेम्पल के पार्ट्स को हम देखते हैं। अभी कितने स्टाइल्स उसमें बने हुए हैं यहाँ पर हम देखें। एन इलस्ट्रेशन ऑफ खजुराहो टेम्पल स्पेयर्स, द शिखरा विमाना बिल्ट यूजिंग कॉन्क्रीट सर्कल एंड रोटेटिंग स्क्वायर्स प्रिंसिपल, सो 4 spires लेफ्ट आर शोन अबव। तो ये अलग अलग स्टाइल के शिखर और उसको हम यहाँ देख रहे हैं। सो कैसे डेवलप हुए ये, द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द शिखराज ऑफ खजुराहो टेम्पल्स, 950 से लेकर के 1050 तक ये शिखर जो डेवलपमेंट हुए तो उसको हम देख सकते हैं। देन यहाँ कुछ उसके अलग और पोर्शन जो है उरुशंगा और ये शिखरा उसको देखेंगे, और इसका प्लान जो है नीचे हम यहाँ देख सकते हैं, डेवलपमेंट देख सकते हैं। उसके ऊपर जो पोर्शन बने, जो डिजाइन बने, तो ये भी अलग अलग उसमें भी शिखर के इसमें अमलक के इसमें जो अलग डिजाइन बने वो हम यहाँ पर देखेंगे। देन इनसाइड व्यू ऑफ वन शिखरा सीलिंग शोज द सिमेट्रिक लेआउट। सो शिखर के अंदर यानी हमारा जो इनसाइड छत जो है, तो छत के ऊपर सीलिंग के ऊपर जो है इनसाइड से कितने सुंदर रूप से डिजाइन उन्होंने तैयार किए हुए अलग अलग, अब हम व्यू उसके देखेंगे तो यहाँ हमें पता चलता है कि कितने सुंदर रूप से किया गया है। देन ये मकर जिसे हम तोरण के रूप से करते हैं, सो कैप्रिकॉन आर्च ऑफ दिस जेवेरी टेम्पल, यहाँ कुछ हम अलग से उनके शिलालेख के इसमें ये पर्टिकुलरली जहाँ मैथमेटिकली किया गया है एक ऐसा इंस्क्रिप्शन हम देख रहे हैं।
अब ये क्या है एक्चुअली, कुछ खेला जाता था या इसका कुछ और मकसद था, तो ये अभी तो हम नहीं कह सकेंगे, बट कई इसमें कई जैसे हमने देखा था ग्वालियर के ग्वालियर फोर्ट में, बट विशेष बात यह है कि उस समय के इसमें जो जीरो यूज किया गया ऐसा हमने देखा तो अलग अलग इसमें, तो यहाँ पर भी हम वो देख सकते हैं देवनागरी अंक जो है वो लिखे जाते थे। अब ये हो सकता है कि ये बाद में भी बनाया गया हो, क्योंकि टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चरल स्टाइल और ये देखेंगे जो स्टोन यूज किया गया है उसको देखेंगे, तो ये कार्विंग और ये जो बना है तो शायद हो सकता है कि ये बाद में बना हो, यानी 13th सेंचुरी के लगभग ऐसा हो सकता है। नाउ वी कैन सी हियर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस चंदेला डायनास्टी इन दिस आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। हियर जो अलग अलग सुंदरियां मदनिका जैना स्कल्पचर्स, तीर्थंकरों के जो स्कल्पचर्स है वो देखते हैं। ये विष्णु का वो स्कल्पचर है जिसको अभी शुरू में हमने देखा था शिल्पलोका स्टूडियो को, इसमें तो यहाँ पर भी हम देखते हैं। इट्स रियली ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर रूप से इसे बनाया गया है। ये और कुछ जैन स्कल्पचर्स यहाँ पर हम देखते हैं। दिस इज वन, एक वराह का मूर्ति और जो म्यूजियम के बैक साइड के इसमें रखा हुआ है, और ये नंदी का स्कल्पचर, दोनों भी कितने सुंदर रूप से बनाए गए हैं ये हम देख सकेंगे। सो अनदर सम टेम्पल, सन टेम्पल महोबा, महोबा जो उनका कैपिटल रहा, अभी तो इसके अवशेष जो है बाद में इसको अच्छी तरह से ये किया गया, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका काम भी किया, बट ये उसके पहले का व्यू है जब काम होना भी बाकी था। ये कुछ पुष्करणिया जो वाटर बॉडीज है वहां की वो भी हम देख सकते हैं। नाउ कुलपहाड़ चंदेला पीरियड वेल इन विलेज अकोना नियर कुलपहाड़ महोबा डिस्ट्रिक्ट में ये वेल बनी हुई है। तो पानी के कुएं उस समय जो बने हुए थे तो उसको हम यहाँ देख रहे हैं। यहाँ वाटर बॉडीज जो बनी हुई है उसके साथ साथ उस समय के जो कॉइन्स थे चंदेला डायनास्टी के उसको हम देखते हैं। सो दिस कॉइन्स ऑफ चंदेला डायनास्टी वेर कंपोज ऑफ सेवरल मेटल्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट दीज कॉइन्स वेर यूज्ड विथिन द किंगडम। द रूलर्स ऑफ द डायनास्टी इंडिकेटेड बाय आस्टरिक्स इशूड मोस्टली गोल्ड कॉइन्स। मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ऑफ चंदेला रूलर्स आर नोन फ्रॉम द सर्वाइविंग स्पेसिमेंस एंड अदर टेस्टिमनीज। सम रूलर्स ऑल्सो इशूड कॉपर कॉइन्स बट नो गोल्ड। एट वेरियस टाइम्स फुल यूनिट, हाफ यूनिट एंड 1/4 यूनिट कंप्राइज द गोल्ड। द कॉइनेज ऑफ कीर्ति एंड सालक्षणा इज स्केर्स। द कॉइन्स ऑफ मदना आर द कॉमनेस्ट ऑफ द सीरीज एंड द कॉइन्स ऑफ ऑल लेटर किंग्स आर रेयर। दस द पीक ऑफ द चंदेला बेस गोल्ड करेंसी वॉज द पीरियड फ्रॉम AD 160 टू 1163, दिस 100 ईयर स्पैन विथ ओनली माइनर इशूज देयर आफ्टर। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉइन। तो ये यानी सिक्के ढालने की जो कला थी वो किस तरह की थी उसकी जानकारी हमें हो, इसलिए हमने इसकी जानकारी यहाँ पर ली है। जो इंस्क्रिप्शंस या जो लिटरेचर्स है या फिर जो राइटिंग किया गया है इसके बारे में, उसके कुछ रेफरेंसेस हम यहाँ पर देखें। सो दिस इज द रेफरेंस, और हम अगर ज्यादा अध्ययन करना चाहेंगे तो क्या पढ़ना चाहिए। इसे छोड़कर भी कुछ आर्टिकल है, जैसे दीक्षित वगैरह जो है, केन दीक्षित, उन्होंने लिखे हुए आर्टिकल वो भी हम पढ़े। और अभी मैं यहाँ इसको विराम देता हूँ। ये जो चंदेला डायनास्टी का विरासत को हमने देखा, उसी तरह से ये काकतिया डायनास्टी की विरासत है, और ये वरंगल फोर्ट का व्यू है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कहाँ से है, कुछ अगर बता सकते हैं तो जरूर बताइए। इसके पहले भी हमने रामप्पा टेम्पल के इसका दिखाया था, होयसड़ा के लास्ट में हमने वो देखा था। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर स्कॉलर्स अवेलेबल हो जाते हैं, उनका ये हो जाता है, तो हम काकतिया टेम्पल्स और उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे, और उसके बाद हमारा जो है मिडिवल पीरियड आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सो मैं यहाँ पर फिर से एक बार स्कॉलर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से कुछ जानकारी है तो कृपया वो जरूर हमारे साथ शेयर करें, और आपके स्टेट के बारे में पर्टिकुलरली कुछ अगर आप इस तरह से जानकारी रखते हैं वहाँ के आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर और इसके बारे में। एक सेशन हमने लास्ट में लिया था जिसमें हमने म्यूजियम्स जो है, म्यूजियम्स के थ्रू वहाँ का कल्चर समझने की कोशिश की थी। तो शायद हमारे और कुछ सेशन इस तरह के हम करेंगे कि
कि जहां पर हम उस राज्य की संस्कृति, वहां के कला और स्थापत्य की जानकारी जो है वो संग्रहालयों की विरासत के रूप से समझने की कोशिश करेंगे, लाइक एज द गोवा स्टेट। तो हम ये कोशिश करेंगे। और मैं अभी एक इम्पॉर्टेंट सूचना सभी को यहाँ पर देना चाहता हूँ। हमारा जो ये कोर्स चल रहा है, ये सभी जो सेशंस हो रहे हैं, तो इसका एग्जाम फॉर्म जो है गूगल फॉर्म आपको ग्रुप में मिलेगा, और आप जो है उसे तभी भरना है अगर आपने पूरे सेशंस अटेंड किए हैं। जैसे हमने ये कहा था कि इट्स फ्लेक्सिबल योर टाइम जो है, आप अगर उस दिन सेशन में उपस्थित नहीं रह सकते कोई बात नहीं, बगैर सारे सेशन जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल है, इंडियन हेरिटेज जो चैनल है उसमें यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो सारे सेशन जरूर देखिए, अटेंड कीजिए, क्योंकि टेक्निकली जब आप ये पूरे सेशन देखते हैं तभी आपका अटेंडेंस वहां पर नोट होता है। ये भी हमने आपको बताया है, किसने कितना समय देखा वो वहां पर आ जाता है। तो इसलिए कृपया पूरे सेशन अटेंड कीजिए। हमने जैसे कहा था कि सभी सेशंस में अराउंड 90% सेशन जो है वो अटेंड करना कंपल्शन है, ये हमने शुरुआत में भी बताया था। और एक सेशन जब देखते हैं 90% सेशंस, बट एक सेशन जो है वो पूरा समय आपको क्लियर देखना है, ये भी याद रखना है। नहीं तो उसमें से सिर्फ 2 मिनट देख लिए, 5 मिनट देख लिए, 10 मिनट देख लिए, इस तरह से मत कीजिए, तभी जाकर के आप जो है एग्जाम फॉर्म सॉरी एग्जाम में लिख सकेंगे। अदरवाइज लास्ट जो हमने एक सैंपल क्वेश्चन पेपर जब बनाकर दिया था तो ये देखा कि 35% पीपल्स ओनली कैन सॉल्व इट, और जिन्होंने सॉल्व किया था उसमें से सिर्फ 2-3% पीपल्स जिन जिन्होंने 60% से ज्यादा करेक्ट सॉल्व किया था। सो ये क्यों, इस तरह से क्यों होता है? हमें तो बहुत रुचि है, हम सीखना भी चाहते हैं, बट हम जो है उसको उतना हार्डवर्क उतना सीरियसली जो है वो नहीं लेते, उतना ध्यान से उसको बस सुनते नहीं है, उसके बारे में पढ़ते नहीं है, रिवीजन करते नहीं है, नोट्स नहीं निकालते हैं। तो अगर आपने नोट्स वगैरह निकाले हैं तो जैसे शुरुआत में बताया था, कुछ स्कॉलर से जो कंटिन्यूअसली हर सेशन के बाद अपने नोट्स जो है वो शेयर करते हैं। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो कि सारे सेशंस को पूरी तरह से ठीक से देखिए, उसके नोट्स निकालिए, उसको व्हाट्सएप कीजिए या फिर अपनी पढ़ाई के लिए अपने पास रखिए, बट तभी जा करके आप जो है वो एग्जाम पास कर सकेंगे। तो एग्जाम फॉर्म आपको मिलेंगे, भरने से पहले जैसे मैंने कहा सारे सेशंस को अटेंड किए हैं अभी तक के, तभी वो फिलअप कीजिए, क्योंकि उसमें सवाल लिखा गया है कि आपने सभी सेशन अटेंड किए हैं क्या, कितना परसेंट किए हैं। अगर आपने झूठी जानकारी दी है तो हमें पता है परीक्षा में, आई डिक्लेयर दैट द अबव ऑल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। सो अगर नहीं करेक्ट नहीं है, गलत है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है एग्जाम में से आपको शायद एग्जाम में आप अपियर नहीं हो सकेंगे। सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस ऑल थिंग्स एंड अटेंड ऑल सेशंस प्रॉपरली। इसी रिक्वेस्ट के साथ में आज का सेशन जो है हम यहाँ पर रोकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू अगेन, थैंक यू।